अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां एक कांग्रेस नेता ने भारत सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक शिकायत की है। इस शिकायत के पीछे की वजह है घोटाला। ये घोटाला छोटा मोटा भी नहीं बल्कि करोड़ों में होना बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि ये 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इस घोटाले के लिए वे कंपनी के अधिकारियों सहित कई लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का कहना है कि उनके पास इस विद्युत वितरण कंपनी के घोटाले के सबूत हैं। इन सबूतों के आधार पर उन्होंने इसकी शिकायत भारत सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकायुक्त आर्थिक अपराध में की है। साथ ही सीएम से तीन मांग भी की है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का कहना है कि उनके पास इस विद्युत वितरण कंपनी के घोटाले के सबूत हैं। इन सबूतों के आधार पर उन्होंने इसकी शिकायत भारत सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकायुक्त आर्थिक अपराध में की है। साथ ही सीएम से तीन मांग भी की है। बिजली कंपनी को बताया जिम्मेदार। यादव का आरोप है विद्युत वितरण कंपनी में 250 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस पर उन्होंने बिजली कंपनी के उच्च अधिकारियों, पूर्व एवं वर्तमान प्रोजेक्ट अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि यह घोटाला वितरण कंपनी ने केंद्र सरकार की आईपीडीएस योजना में कार्यों का सत्यापन के लिए फीडबैक कंपनी का अनुबंधित टेंडर के माध्यम से किया गया था। इस फीडबैक कंपनी का काम 523 करोड़ के विद्युत कार्यों का वास्तविक सत्यापन मौके पर देखकर करना था। इसमें कार्य की पूर्णता, क्वालिटी जांच करने के बाद सत्यापन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ही विद्युत वितरण कंपनी को फील्ड में काम करने वाली ठेकेदार कंपनियों को भुगतान करना था, लेकिन फीडबैक कंपनी ने फील्ड में काम करने वाली कंपनियों से साठ गांठ करके सरकार को 250 करोड़ रुपए का चूना लगाया। उनका आरोप है कि फर्जी रिपोर्ट बनाकर बिना काम करे कंपनियों को भुगतान करा दिया गया। यादव ने कहा कि जब इस मामले की शिकायत हुई तो इसकी जांच शुरू हुई। जांच में देवास जिले के सोनकच्छ के गांव में ही 9.5 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। इसके बाद सारी जांच ठंडे बस्ते में चली गई। उन्होंने रिपोर्ट गायब करने का भी आरोप लगाए। इस पूरे घोटाले में कांग्रेस नेता ने कई और भी अधिकारियों पर आरोप लगाने के साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी तीन मांगे की हैं। आईपीडीएस के कार्यों की कंपनी क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। योजना का नाम आईपीडीएस था। इस योजना में 523 करोड़ रुपए आए थे और उसका काम था कि नई लाइनें डालना, ट्रांसफार्मर लगाना और अन्य बहुत सारे वर्क करना। इसके लिए एक फीडबैक कंपनी को काम दिया गया था कि आप मौके पर सत्यापन करेंगे, सारे कार्य हो गए, उसका सर्टिफिकेट देंगे तो इन अदर कंपनियों को जो वर्क कर रही हैं उनको भुगतान हो जाएगा। इस पूरे मामले में 27 जगह शहर और गाँव में काम होना था जो इंदौर की कंपनी के अंतर्गत आता है। कहीं भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, कहीं क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से, कहीं आरोपी के माध्यम से और कहीं घोटाले के माध्यम से करोड़ों रुपए सीधे जेब में डाल लिए गए।